जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल 2πF पे। हम लोग का स्टीम इंजन, स्टीम बॉयलर और इंजन का हम लोग का MCQ का डिस्कशन चल रहा था। हम लोगों ने 80 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और देखें कुछ आज जो है बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वो। ठीक, चलिए ये देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। 80 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट हो गया था, 81 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए 81 नंबर, द हाई एस्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व इज नॉट यूज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हाई एस्टीम और लो वाटर सेफ्टी वॉल्व जो है हम लोग कौन सा बॉयलर में यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग जो यूज नहीं करते हैं इसको किस में, तो लोकोमोटिव बॉयलर में जो है हम लोग हाई एस्टीम और लो सेफ्टी वाटर सेफ्टी वॉल्व हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो किसमें, लोकोमोटिव बॉयलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व इज यूज। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हाई स्टीम और लो वाटर सेफ्टी वॉल्व कहाँ यूज नहीं यूज होगा, तो हम लोग का लोकोमोटिव बॉयलर में। यहाँ पर पूछ रहा हाई स्टीम और लो वाटर सेफ्टी वॉल्व इज यूज टू ब्लो अप स्टीम वेन द, है ना। हाई स्टीम और लो वाटर सेफ्टी वॉल्व भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पर स्टीम को ब्लो अप करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा, उसका प्रेशर जो हम लोग का बढ़ जाता है। तो किस वजह से हम लोग करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले बोला, जो वर्किंग प्रेशर से जो है हम लोग का स्टीम प्रेशर एक्सीड कर जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग जो है लो वाटर सेफ्टी वॉल्व और हाई स्टीम का यूज करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है, वाटर लेवल इन द बॉयलर बिकम्स टू लो। अगर वाटर लेवल जो है बॉयलर का बहुत ही कम हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाई स्टीम और लो वाटर सेफ्टी वॉल्व का यूज करेंगे। तो सी नंबर जो करेक्ट हो जाए इसका, बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन के लिए हम लोग करेक्ट हो जाए, तो सी नंबर 82 का सी नंबर करेक्ट होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ स्टॉप वॉल्व इज टू। पूछा है स्टॉप वॉल्व का फंक्शन क्या है हम लोग का, तो स्टॉप वॉल्व का हम लोग का फंक्शन वो होता है कि हम लोग कभी भी जब स्टीम जो है हम स्टीम का प्रेशर को जो हम लोग रोकना रहेगा, तो स्टीम वॉल्व के द्वारा हम लोग जो है स्टीम का प्रेशर को रोक सकते हैं जहाँ तक कि हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से। ठीक, इसलिए हम लोग वहाँ क्या करते हैं, स्टॉप वॉल्व का यूज करते हैं हम लोग स्टीम इंजन के केस में। तो ये पहला नंबर हम लोग करेक्ट होगा, क्या है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप एंड टू शट ऑफ द स्टीम कम्प्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हम लोग को जरूरत हो उस हिसाब से, अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टीम का प्रेशर को रोक कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, जो भी स्टीम प्रेशर जो आ रहा है मेन लाइन के थ्रू, वहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टॉप वाल्व लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का जो है स्टीम का जो प्रेशर है कम्प्लीटली शट ऑफ हो जाता है। अगर सेकेंड नंबर का बात करें, जो बी नंबर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ बी नंबर, ये क्या है, इम्पटी द बॉयलर वेन रिक्वायर्ड एंड टू डिस्चार्ज द मड अ स्केल ऑफ सेडिमेंट्स विच आर एक्यूमुलेटेड टू द बॉटम ऑफ द बॉयलर, है ना। क्या बोल रहा, बॉयलर को एक तो इम्पटी करना, या फिर बॉयलर के नीचे जो हम लोग का मड या कीचड़ बोल सकते हैं उसको, या फिर और भी सेडिमेंट जो अलग अलग तरह के जो भी हम लोग का जो डिपॉजिट हो जाता है बॉयलर के अंदर, उसको इम्पटी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ब्लो ऑफ कॉक। ध्यान रखिएगा, ब्लो ऑफ कॉक, ये बी नंबर। अगर सी नंबर का बात करें, यहाँ पे सी नंबर, पुट अ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फॉल्स टू एन अनसेफ लिमिट, है ना। क्या बोल रहा, कि फर्नेस को बंद कर देना है, फर्नेस को पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस, फर्नेस में जो मतलब कि वहाँ पे जो कंबसन हो रहा है उसको बंद करना, कब, जब लेवल ऑफ वाटर जो है बॉयलर में क्या हो जाए, अनसेफ लिमिट में चला जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूजिबल प्लग, है ना। ये सब जो है टर्मिनोलॉजी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या है, ये है हम लोग का इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर। ये आप लोग को पता होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर हीटर का, इसके लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, सुपर हीटर का। ठीक, तो ये चार चीज़ें आप लोग को एक ही क्वेश्चन से मिल जाएगा 83 नंबर में। पहला क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का जो है स्टॉप बल्ब, जो कि इसका आंसर है ए नंबर। बी नंबर है, जबकि हम लोग बॉयलर को इम्पिटी करने के केस में आते हैं उसको, वो डिवाइस का नाम है हम लोग का ब्लो ऑफ कॉक। तीसरा जो है फ्यूजल प्लग, फर्नेस को बंद करने के लिए हम लोग फ्यूजल प्लग का यूज करते हैं। और टेम्परेचर को इंक्रीज करना है सेचुरेटेड स्टीम तक, उसका प्रेशर को विदाउट रेज किए हुए, मतलब प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन स्टीम का जो है टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सुपर हीटर का। ठीक, नेक्स्ट 84, ब्लो ऑफ कॉक पूछा, तो ये मैंने आप लोग को बता ही दिया ब्लो ऑफ क्या है, कॉक क्या है। फिर इम्पटी द बॉयलर व्हेन रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द मड अ स्केल ऑफ सेडिमेंट्स व्हिच आर एक्युमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर,
ठीक। कभी भी हम लोग को जब जरूरत पड़ता है बॉयलर के नीचे जो है अतिरिक्त कुछ चीज़ें जो स्टीम के अलावा या फिर पानी के अलावा जो है मड जो कीचड़ जमा हो जाता है या फिर स्केल जो एक परत टाइप पर जमा हो जाता है फिर कुछ और सेडिमेंट जो जमा हो जाता है बॉयलर के नीचे बॉटम ऑफ द बॉयलर, तो हम लोग उसको इम्प्टी करने के लिए हम लोग ब्लो ऑफ कॉक का यूज करते हैं। इन्हें अ डैश इन अ बॉयलर इज यूज टू पुट अ फायर इन द फर्नेस टू फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फॉल्स टू एन अनसेफ लिमिट। तो इसका मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है, इसका जो है हम लोग का फ्यूजुअल प्लग हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजुअल प्लग। अ फ्यूजुअल प्लग इन अ बॉयलर इज यूज टू पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस, बी नंबर से करेक्ट है। ब्लॉक कॉक मैंने बता दिया, स्टॉप बल्ब बता दिया, सेफ्टी बल्ब हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। सेफ्टी बल्ब हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे क्या होता है प्रेशर, वहाँ सेफ्टी बल्ब या फिर स्टॉप बल्ब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेफ्टी बल्ब स्टॉप बल्ब हम लोग ने देख लिया कि हम लोग क्या करेंगे स्टीम प्रेशर को रोकने के लिए, लेकिन सेफ्टी बल्ब क्या होता है जैसे कोई स्टीम प्रेशर मान लेते हैं हम लोग 9.5 पे सेट किए हुए हैं, इससे ज़्यादा हम लोग का नहीं जाना, इससे ज़्यादा जो है प्रेशर हम लोग का नहीं रेज करना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सेफ्टी बल्ब का यूज करते हैं। वहाँ पर जैसे 9.5 बार या फिर 9.5 प्रेशर से हम लोग का ज़्यादा स्टीम का प्रेशर हो जाएगा तो सेफ्टी बल्ब अपने आप जो है खुद ब्लो करने लगता है, ठीक, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। द फंक्शन ऑफ अ सुपर हीटर इज टू हीट द फीड वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हीट इन द एग्जॉस्ट फ्लू पासेस बिफोर लिविंग थ्रू द चिमनी। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो दिया हम लोग का ये स्टेटमेंट एक्चुअली है इकोनोमाइजर का, ये इकोनोमाइजर का स्टेटमेंट है, इकोनोमाइजर ये हम लोग का सुपर हीटर का स्टेटमेंट नहीं है। सुपर हीटर क्या मैंने भी बताया कि स्टीम का टेम्परेचर को बढ़ाना विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर, उसको हम लोग कहते हैं सुपर हीटर। लेकिन इकोनोमाइजर का क्या काम है कि फीड वाटर को हीट करना, किस किसके जरिए, तो जो हम लोग का हॉट गैसेस निकल रहा है एग्जॉस्ट से उसके जरिए हम लोग जब जो है फीड वाटर को हीट करेंगे, है ना, जब चिमनी से बाहर निकलता है उससे पहले, है ना, तो वो हम लोग करते हैं इकोनोमाइजर के जरिए। इससे क्या होता है हम लोग का 15-20% जो है फ्यूल का खपत हम लोग का बच जाता है, फ्यूल का सेविंग होता है 15-20%। चूँकि जो है उससे क्या है एक तरफ से तो पहले क्या करते रहे हम लोग फीड वाटर को पहले हीट कर दे रहे हैं, है ना, फ्लू गैसेस से, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस से, तो ये हम लोग कुछ ना कुछ इसका जो है टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है, उसके बाद जो है इसको जो है हीट करते हैं हम लोग किससे, तो फ्यूल के जरिए। तो पहले से हीट हुआ है और फिर उसको हीट करेंगे तो क्या होगा उसमें हम लोग का फ्यूल का सेविंग होगा, तो लगभग जो है लगभग 15-20% फ्यूल का सेविंग होता है इकोनोमाइजर के चलते। नेक्स्ट, एन इकोनोमाइजर इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। देखिए जस्ट इसका उल्टा दे दिया, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग कर दिया है, सुपर हीटर को डाल दिया इकोनोमाइजर में और इकोनोमाइजर को कर दिया सुपर हीटर में, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है हम लोग का, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सुपर हीटर के लिए है, किसका है, सुपर हीटर के लिए, ठीक। तो ये सब चीज़ ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अगर एग्जाम में आ गया तो ये सब क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग देख लीजिए क्या होगा आप लोग का, ठीक। 88, अ डिवाइस यूज्ड इन बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप एंड टू शट ऑफ द स्टीम कम्प्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड, इन्होंने तो मैंने आप लोग को बताया है कि यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज करेंगे जहाँ पर हम लोग को फ्लो ऑफ स्टीम जो है मेन पाइप से और स्टीम जो है कम्प्लीटली शट ऑफ करना अगर पड़ गया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, तो स्टॉप वाल्व का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, स्टॉप वाल्व का यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अ डिवाइस यूज टू इम्प्टी द बॉयलर व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड टू डिस्चार्ज द मड स्केल ऑफ सेडिमेंट्स व्हिच आर एक्युमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर इज कॉल्ड ब्लो ऑफ कॉक। तो करेक्ट है, इम्प्टी करने के लिए, बॉयलर को इम्प्टी करने के लिए हम लोग ब्लो ऑफ कॉक का यूज करते हैं, जब हम लोग का बॉयलर में क्या होता है मड या कुछ सेडिमेंट या स्केल जमा हो जाता है बॉटम ऑफ द बॉयलर में। 90, अ वाल्व इंस्टॉल्ड बिटवीन द बॉयलर एंड द फीड पंप। अब देखिए बोल रहा है बॉयलर और फीड पंप के बीच में, फीड पंप के बीच में जो हम लोग का वाल्व इंस्टॉल्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीड चेक वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, फीड चेक वाल्व, ठीक। जो भी फीड पंप से जो हम लोग का वाटर आता है प्रेशर के थ्रू उसको जो है कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीड चेक वाल्व का यूज करते हैं, ठीक। कि ज़्यादा प्रेशर में नहीं, कम प्रेशर में नहीं, ज़्यादा प्रेशर में हम लोग का पंप के थ्रू जो है बॉयलर को जो है सप्लाई हो रहा है पानी, तो हम लोग क्या इसका यूज करते हैं, फीड चेक वाल्व, बी नंबर करेक्ट उत्तर है। डिवाइस यूज टू पुट ऑफ द
फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स टू एन अनसेफ लिमिट। ये मैंने बताया कि जब भी हम लोग फर्नेस का जो फायर को हम लोग का क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे। उसके लिए यहाँ पर जो डी नंबर है, शायद यहाँ पर ऑप्शन कट गया है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन मैंने आपको बताया है किसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो फ्यूजिबल प्लग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्यूजिबल प्लग का, है ना। तो डी नंबर यहाँ पर, शायद यहाँ पर जो डी नंबर जो यहाँ पर, ये नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज का है, तो डी नंबर ही करेक्ट उत्तर होगा हम लोग का। लेकिन अगर इसका स्टेट अगर इसका ओरिजिनल अगर उत्तर है हम लोग का, तो ये क्या होगा हम लोग का? फ्यूजिबल प्लग होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। फ्यूजिबल प्लग जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस का अगर हम लोग का फर्नेस को अगर क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा कंबसन, तो क्या करेंगे हम लोग? फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आ गया, अच्छा 91 नंबर, ये डी नंबर है हम लोग का। इसका जो उत्तर है हम लोग क्या बताया? फ्यूजिबल प्लग। ये भी वही सब टर्मिनोलॉजी चल रहा है, बार बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड। मैंने बताया क्या होगा? सुपर हीटर, है ना। इन टेम्परेचर इंक्रीज करना है हम लोग का, तो क्या यूज करेंगे? सुपर हीटर यूज करेंगे। आई नेक्स्ट 93, अ डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हीट इन द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बिफोर लिविंग थ्रू द चिमनी इज नोन एज। अब बोल रहा है ऐसा कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, है ना, फीड वाटर को हीट करने के लिए उसका फ्लू गैसेस। तो ये मैंने आपको पहले, ये बार बार सब वही सब क्वेश्चंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हम लोग यूज करते हैं? इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इकोनोमाइजर का यूज करते हैं, ठीक। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर एसेसरीज में इकोनोमाइजर सुपर हीटर दोनों आता है, तो सी नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा। 95, एन इकोनोमाइजर डैश द स्टीम रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉयलर। तो इकोनोमाइजर क्या करता है? स्टीम रेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है या घटाता है? तो क्या करता है? बढ़ाता है। इकोनोमाइजर क्या करता है? स्टीम रेजिंग कैपेसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा हमेशा, इसीलिए तो इकोनोमाइजर यूज करेंगे। नहीं तो अगर हम लोग का स्टीम रेजिंग कैपेसिटी को अगर घटाना रहता तो हम लोग वहाँ पर इकोनोमाइजर क्यों यूज करते? 96, द प्रेशर ऑफ फीड वाटर हैज टू बी रेज्ड बिफोर इट्स एंट्री इनटू द बॉयलर, द प्रेशर रेज्ड बाय अ डिवाइस इज नोन एज। अब बोल रहा है प्रेशर जो है, फीड वाटर का प्रेशर क्या होता है? फीड वाटर का प्रेशर हम लोग को बढ़ाना पड़ता है ना, कब? जब बॉयलर को हम लोग भेजते हैं। ऐसे क्या होगा? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है नेचुरली जो है हम लोग क्या होता है, हम लोग को प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो है बॉयलर में हम लोग का पानी जा पाएगा, है ना। और वो भी क्या होता है? बहुत लेट लगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल डिवाइस वहाँ पर यूज करते हैं, प्रेशर फीड वाटर का प्रेशर को बढ़ा करके भेजते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग फीड पंप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फीड पंप का यूज करते हैं, जहाँ क्या करता है हम लोग का प्रेशर बढ़ा करके हम लोग का तुरंत जो है जल्दी हम लोग का बॉयलर को फिलअप करने का काम में आता है, ताकि स्टीम का जनरेशन जल्दी से जल्दी हो पाए। देर इज अबाउट 15-20% ऑफ कोल सेविंग वेन एन इकोनोमाइजर इज यूज इन अ बॉयलर। जो मैंने आप लोग को बताया कि जब हम लोग इकोनोमाइजर का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा हम लोग का 15-20% का फ्यूल का सेविंग होगा वहाँ पर। एन इकोनोमाइजर इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन। अब इकोनोमाइजर हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, है ना। इकोनोमाइजर जो हम लोग प्लेस करते हैं, या तो लास्ट सुपर हीटर या रीहीटर उसको बोल लीजिए, एंड एयर प्री हीटर। लास्ट सुपर हीटर या और एयर प्री हीटर के बीच में हम लोग किसको यूज प्लेस करते हैं? इकोनोमाइजर को प्लेस करते हैं, एंड एयर प्री हीटर। अब एयर प्री हीटर क्या है हम लोग का? तो एयर प्री हीटर वो इवेपोरेटिव कैपेसिटी बॉयलर का बढ़ाता है, इफिशियंसी बढ़ाता है, और लो ग्रेड फ्यूल को जो है वो जल्दी बर्न करवाने में मदद करता है। एयर प्री हीटर क्या है कि जो भी फ्यूल है हम लोग उसको क्या करता है, या फिर बोल सकते हैं जो एयर को जो है मतलब कि उसका टेम्परेचर बढ़ा करके भेजा जाता है, ताकि जो हम लोग का फ्यूल का बर्निंग प्रोसेस जो है जल्दी हो जाए। उससे क्या होगा, हम लोग का इफिशियंसी बढ़ेगा और इवेपोरेटिव कैपेसिटी बॉयलर का वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट 100 नंबर, एन एयर प्री हीटर इज इंस्टॉल्ड। अब एयर प्री हीटर हम लोग कहाँ इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो मैंने जैसा याद रखा एयर प्री हीटर, EPC से याद रखा है, ई से इकोनोमाइजर, पी से प्री हीटर और सी से चिमनी। तो जो सी नंबर जो हम लोग करेक्ट हो जाएगा, किसे किसके बीच में इंस्टॉल करेंगे, तो बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड चिमनी, है ना। इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में किसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो एयर प्री हीटर को यूज करेंगे। 101, एन इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल्ड इन अ बॉयलर प्राइमरली टू, देखिए यहाँ पर क्या दिया, सुपर हीट द स्टीम, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, इंक्रीज स्टीम प्रेशर। सुपर हीट द स्टीम, वहाँ पर हम लोग सुपर हीटर का यूज करते हैं, ना कि इकोनोमाइजर का,
है ना। और इंक्रीज स्टीम प्रेशर, स्टीम प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग इकोनोमाइजर का जनरली यूज करते हैं फ्यूल कंजप्शन को घटाने के लिए यूज करते हैं। और कितना परसेंट का हम लोग का फ्यूल कंजप्शन का हम लोगों का कम खपत होता है, तो 15 से 20% हम लोग का जो है कम खपत होगा फ्यूल। 102 अ डिवाइस इन विच सम पोर्शन ऑफ वेस्ट हीट ऑफ फ्ल्यू गैसेस इज रिकवर्ड टू हीट द एयर बिफोर इट पासिस टू द फर्नेस फॉर कंबसन पर्पज इज नोन एज। अब बोल रहा है ऐसा कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे जो हम लोग का वेस्ट हीट जो फ्लू गैसेस है उसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक, कब, जब हम लोग का फर्नेस में जाता है कंबसन होने के लिए, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एयर प्रीहीटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर प्रीहीटर। हम लोगों ने सुपर हीटर देख लिया है, इकोनोमाइजर देख लिया, इंजेक्टर इंजेक्ट करने के काम में आता है स्टीम को, है ना। तो एयर प्रीहीटर क्या करेगा, जो भी वेस्ट हीट है फ्लू गैसेस का उसको उसका जो है रिकवर करता है और एयर को प्रीहीट करता है, कब, जब फर्नेस में जाता है कंबसन के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। इससे क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ता है इसका, बॉयलर का। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर इज मेजर्ड बाय, परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर या फिर बोल सकते हैं आप लोग यूनिट क्या होता है बॉयलर का, है ना, किस टर्म में जो है जो स्टीम का एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है बॉयलर उसको हम लोग किस रूप में हम लोग उसको मेजर करेंगे। तो पहला है अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर आवर, एक घंटे में कितना जो है वाटर इवेपोरेट करा तभी तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर, मेजर किस में करते हैं। या फिर स्टीम प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर आवर, जैसे किलोग्राम पर आवर मतलब एक घंटा में कितना किलोग्राम जो है स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा दिया है स्टीम प्रोड्यूस किलोग्राम पल पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न, मतलब एक किलोग्राम जो फ्यूल बर्न हो रहा उसमें कितना किलोग्राम जो है हम लोग का जो है स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा। तो ये जो तीनों चीज है हम लोग का करेक्ट होगा, तीनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ बॉयलर द फीड वाटर टेम्परेचर एंड वर्किंग प्रेशर आर टेकन एज। अब बोल रहा कैपेसिटी ऑफ बॉयलर कंपेरिजन में लेने के लिए फीड वाटर टेम्परेचर और वर्किंग प्रेशर को हम लोग कितना लेते हैं, तो फीड वाटर टेम्परेचर हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो वर्किंग प्रेशर जो हम लोग लेते हैं वो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, तो सी नंबर हम लोग करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कितना रहना चाहिए फीड वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना रहना चाहिए, नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर ही हम लोग वहाँ पर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट 105 द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को किस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देखिए, तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न। एक किलोग्राम जब फ्यूल हम लोग बर्न कर रहे हैं तो कितना किलोग्राम ऑफ स्टीम वहाँ पे कितना किलोग्राम ऑफ स्टीम हम लोग का जनरेट हो रहा है, उसी से हम लोग इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो बी नंबर जो है 105 का बी नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर। 106 द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस इज नोन एज। अब पूछा है क्या कि जो हीट एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए हीट प्रोड्यूस, किसका रेशियो यहाँ पर बोला है हीट प्रोड्यूस्ड, है ना, या फिर स्टीम भी लिख सकते हैं। हीट प्रोड्यूस हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है, टू द हीट लिबरेटेड टू इन द फर्नेस। हीट लिबरेटेड कहने का मतलब बोल सकते हैं कि जितना भी हम लोग हीट इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है, हम लोग कुछ भी चीज़ जो जानते हैं हम लोग कि आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है, तो आउटपुट बाय इनपुट कोई भी चीज़ का इफिशियंसी दर्शाता है। तो ये किसका, हम लोग किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, बॉयलर का। तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉयलर इफिशियंसी, क्या हो जाएगा, बॉयलर इफिशियंसी। 107 द पावर ऑफ बॉयलर मे बी डिफाइंड एज। अब पावर ऑफ बॉयलर या तो पावर बोले या तो इवेपोरेटिव कैपेसिटी बोले, दोनों एक ही चीज़ है ना। इवेपोरेटिव कैपेसिटी मैंने क्या बोला था कि एक किलोग्राम फ्यूल में कितना किलोग्राम, है ना, हम लोग का स्टीम जो जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इवेपोरेटिव कैपेसिटी, और पावर भी सेम चीज़ है। तो बी नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा हम लोग का, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्ड, ठीक। नेक्स्ट, द इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इज डिफाइंड एज द इवेपोरेशन ऑफ 15.653 किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैंने बोला इवेपोरेटिव कैपेसिटी क्या होता है कि एक किलोग्राम फ्यूल बर्न्ड में कितना किलोग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ स्टीम जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेटिव कैपेसिटी। तो इसका जो ये जो स्टेटमेंट है हम लोग का फॉल्स है, 108 नंबर का हम लोग का क्या हो जाएगा, बी नंबर 9।
109 द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्ड इज टर्म्ड एज इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। ये हम लोग का, मेरे हिसाब से ये चौथा पांचवा क्वेश्चन हो गया हम लोग का इवेपोरेटिव कैपेसिटी से। आइए नेक्स्ट 110 द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट, बोल रहा है अमाउंट ऑफ वाटर कितना इवेपोरेट होता है फीड वाटर से एट कितना डिग्री सेल्सियस पे पूछा है यहाँ पे, एट कितना डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाटर इवेपोरेट होता है फीड वाटर का 60 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, किसमें ड्राई और सेचुरेटेड स्टीम में, कितना डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का नॉर्मल रहता है। यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस जो है नो करेक्ट उत्तर होगा 110 का सी नंबर। यहाँ पूछा गया है ये यहाँ पे पूछा गया फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन का फॉर्मूला पूछा गया कि व्हेन द टोटल हीट ऑफ स्टीम इज h kilojoule प्रति किलोग्राम एंड द सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर इज hf1 किलोजूल प्रति किलोग्राम देन द फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन इज गिवन बाय, तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन इज गिवन बाय h-hf1 टू द पावर 2257। ए नंबर करेक्ट उत्तर होगा हम लोग का, ए नंबर करेक्ट उत्तर होगा फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन के लिए। और इसको जो है याद रखिएगा, इसके रिगार्डिंग जो है न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ देता है छोटा छोटा। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन किलोग्राम, फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना कि अमाउंट की एक किलोग्राम फ्यूल बर्न्ड में हम लोग कितना जो है वाटर इवेपोरेट हो रहा, मतलब स्टीम का जनरेशन हो रहा। तो उसको क्या कह रहे थे, इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, उसको क्या कह रहे थे हम लोग, इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर, ए नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा। 113 द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम इज कॉल्ड, ये फिर बारह ये पांचवा छठा क्वेश्चन आ गया, नो हो जाएगा इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर हम लोग ने अभी देख लिया क्या होता है। द फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन फॉर ऑल बॉयलर इज ऑलवेज, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन पूछ रहा है जो हम लोग ने देखा था h-hf1 टू द पावर 2257, तो ये जो हमेशा जो क्या होगा ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन यूनिटी। 115 द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इज डिफाइंड एज, अब इफिशियंसी ऑफ बॉयलर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफिशियंसी ऑफ बॉयलर को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, तो जो ए नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर है यहाँ पर, रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज इन प्रोड्यूसिंग स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस, इफिशियंसी के आउटपुट टू द इनपुट है, तो जो हीट एक्चुअली हम लोग का जो जनरेट हो रहा है मतलब आउटपुट जो मिल रहा है और हीट लिबरेट हो रहा है जो हम लोग हीट उसको दे रहे हैं हीट इनपुट है ना, तो आउटपुट टू द इनपुट हम लोग क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। 116 बॉयलर इफिशियंसी का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा है, बॉयलर इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है ms है ना, ये ms क्या है हम लोग का, तो टोटल मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इनटू स्टीम टू इनटू h-hf4 बाय mf इनटू c, जो c नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर है, c नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर है ms क्या है यहाँ पर, ये दिया है ये ms यहाँ पर नहीं लिखा है, ms टोटल मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इनटू स्टीम, h क्या है h टोटल हीट ऑफ स्टीम, hf1 क्या है सेंसिबल हीट, c क्या है कैलोरीफिक वैल्यू और एम एफ क्या है मास ऑफ फ्यूल। तो सी नंबर जो है बॉयलर इफिशियंसी है ना, एम एस इंटू एच ए माइनस एच एफ वन बाई एम एफ इंटू सी। ठीक, इसके रिगार्डिंग अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है, देखते हैं इसको। 117 नंबर वो कह रहा है इन, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे इफिशियंसी हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या देख रहे थे, एम एस इंटू एच माइनस एच एफ वन टू एम एफ इंटू सी है ना, यही फॉर्मूला हम लोग ने देखा। अब देखिए जो जो दिया उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इन बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड पर पावर इज 205 kg है ना, फीड वाटर सप्लाई जो हम लोगों का हो रहा है कितना 205 kg, तो यहाँ पर 205 kg लिख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है वाइल कोल फायर्ड पर आवर इज 23 kg है ना, एक घंटा में जो मास ऑफ फायर है हम लोग कितना फ्यूल जो है हम लोग कितना हो रहा है 23 kg, 23 kg है मल्टीप्लाई द नेट इनथैल्पी राइज पर केजी ऑफ वाटर इज 145 kilojoule। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट इनथैल्पी हो जाएगा, इसको जो है अलग अलग करके नहीं दिया, यहीं पे नेट इनथैल्पी जो है टोटल एक साथ दे दिया है हम लोग का यहाँ पे h-hf1, ये हम लोग क्या हो जाएगा नेट इनथैल्पी, तो 145 हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 145 हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ 205 into 145। अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल क्या है,
2050, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20, 10 × 5 = 50, ठीक, 4 × 5 = 20 एक, और ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 2 × 5 = 10, है ना, 41 टू जा ये कट जाएगा, तो 29/46 आ जाएगा लगभग, जो है लगभग हम लोग इसका अगर परसेंटेज में निकालिएगा तो हम लोग का 63% आएगा, बी नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा, बी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर होगा, 63%, ठीक। नेक्स्ट 118, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ यूज, इन्होंने फिर वही क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला पावर ऑफ बॉयलर, अगर पावर ऑफ बॉयलर बोले या फिर इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर बोले, हम लोग का सेम चीज है, तो यहाँ पर जो है ए नंबर करेक्ट उत्तर है। देख रहे हैं पावर ऑफ बॉयलर और इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर से हम लोग का सातवां आठवां क्वेश्चन हो गया होगा। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस इज नोन एज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100°C। तो अभी हम लोगों ने देखा जो भी हम लोग का हीट एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है ना, और हीट जो लिबरेट हो रहा है फर्नेस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉयलर इफिशियंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयलर इफिशियंसी कहते हैं। तो 119 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इनकरेक्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 नंबर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखते हैं हर सभी स्टेटमेंट पढ़ करके कौन सा स्टेटमेंट हम लोग कर रहा है। द फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन फॉर ऑल बॉयलर ऑलवेज ग्रेटर देन यूटी, ऐसा ही हम लोग का। तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन देखा था H-HF1 to the power 2257, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए कोई बॉयलर के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्ड इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम ए, तो ये गलत स्टेटमेंट है हम लोग का, है ना। ये क्या होगा, या तो पावर पावर कैपेसिटी लिख सकते, या तो इवेपोरेटिव कैपेसिटी लिख सकते हैं इसको। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस इज कॉल्ड बॉयलर इफिशियंसी, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। बी नंबर जो हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, बी नंबर जो हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, 120 का बी नंबर हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं 120 तक, 121 नंबर से हम लोग जो है अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो है इसको जो है हर एक टर्म जो है बॉयलर माउंटिंग और एसरी जो है, या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है बार बार, है ना, इफिशियंसी, अभी अगले वीडियो में अभी इसके सारे इफिशियंसी के बारे में पढ़ना है, मैकेनिकल इफिशियंसी हो गया, या फिर जो भी टर्म इंडिकेटेड पावर, ये ब्रेक पावर क्या होता है, ये सब के बारे में भी आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं।